स्टूडेंट वेलकम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक नए वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि UPNHM जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, आइए देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं UPNHM की मैंने वेबसाइट ओपन की है, और यहाँ पे जब इसकी स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, और इस व्यू ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वो क्या है नोटिफिकेशन वो देखें, तो ऊपर ही आपको मिल रहा है न्यू नोटिफिकेशन डेटेड 19/10/2023 अंडर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। और इसको जब क्लिक करेंगे तो एक नया PDF ओपन होगा, और इस PDF में क्या है वो देखा जाए। तो इस PDF ओपन हो गया है, और इस PDF में देखें तो क्या है, 19/10/2023 की ये इन्फॉर्मेशन है। और ये नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या लिखा है कि दिस इज द रेफरेंस, इन्होंने रेफरेंस दिया है एडवर्टीजमेंट। ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है डेटेड 26/11/2022 को एडवर्टीजमेंट आया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 17,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ ANM स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथी अंडर द वेरियस प्रोग्राम NHM UP। फिर इन्होंने लिखा है कि इनके पास राइट रिजर्व था जो किसी भी वैकेंसी में चेंजेस कर सकते थे। तो उसी कंटेंट में कुछ वैकेंसी में चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस क्या है उसी को देखा जाए। तो उस चेंजेस में अगर आप देखें तो लास्ट में अगर आप देखें तो छठे और सातवें पोजिशन पे अगर आप देखें तो स्टाफ नर्स यहाँ पे भी है, और वैकेंसी में कुछ चेंजेज हुआ है। तो देखें फार्मासिस्ट के वैकेंसी में क्या चेंज है। NUHM में फार्मासिस्ट की प्रयागराज जो इलाहाबाद में 3 एडवर्टीजमेंट था वो वैकेंसी घटा के 2 कर दी गई है। इसी तरह से हाथरस में अगर आप देखें तो 3 वैकेंसी थी और यहाँ के बढ़ा के 4 कर दी गई। तो इलाहाबाद में वैकेंसी कम हुई, लेकिन साथ ही में हाथरस में 1 वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई। तो इसके पहले भी इसी तरह से नोटिफिकेशन आया था, पेपर करेक्शन का नोटिफिकेशन आया था। तो नोटिफिकेशन तो आ रहा, लेकिन बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट जल्दी से आए, ताकि जो बच्चों ने एग्जाम दिया उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा फार्मासिस्ट में होगा, तो जल्दी से गवर्नमेंट को ये रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए ताकि बच्चे जॉब पा सकें। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी तरह से और वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।